बहुत अच्छे। कोचिंग एक टीचर, एक चार्टर्ड अकाउंटेंट टीचर से ही होना चाहिए जो कि आपको प्रॉपरली गाइडेंस दे सके, और वो खुद इस इंडस्ट्री में है तो इसलिए वो आपको और अच्छे से गाइड कर सकते हैं, प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स बता सकते हैं उसका। सुनो, आपने बात की आर्टिकलशिप और इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग के बीच में, ये बैलेंस कैसे एक सीए स्टूडेंट बना सकता है, क्योंकि एग्जाम भी प्रिपेयर करने हैं और ये आर्टिकलशिप और इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग भी बहुत जरूरी है, तो ये कैसे बनाए, थोड़ा प्रकाश डालिए। हाँ जी, देखिए पहली फर्स्ट स्टेज होता है एंट्रेंस लेवल, दैट इज कॉल्ड सीपीटी। यहाँ पे कोई आर्टिकलशिप नहीं है, बच्चा आराम से अपनी कोचिंग ले, घर पे जाके सेल्फ स्टडी करे एंड ही कैन रिलैक्स। उसके बाद नेक्स्ट स्टेज आता है आईपीसीसी। आईपीसीसी के अंदर लगभग 9 months की है, अगर आप इसको एक एक पार्ट ग्रुप वन ग्रुप टू अलग भी करते हैं तो ये 6 months और एक्सटेंड हो जाती है। यहाँ पर भी आपकी कोई आर्टिकलशिप नहीं है, ग्रुप वन तक तो कोई आर्टिकलशिप है ही नहीं, यहाँ फ्री है। हाँ, यहाँ फ्री है, दैट मीन्स 9 months भी आपको आर्टिकलशिप नहीं जाना, दैट मीन्स यू कैन फुली फोकस ऑन योर स्टडीज। आईसीआई ने, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया ने एक बहुत ही सुंदर पैटर्न बनाया हुआ है जिसमें बच्चे के कोई डबल बर्डन नहीं है। बिल्कुल, आईपीसीसी ग्रुप वन एटलीस्ट क्लियर करने के बाद वो अपनी आर्टिकलशिप पे जा सकता है। कुछ बच्चे बोलते हैं नहीं, हम डमी आर्टिकलशिप कर लेते हैं। नहीं, देखिए बिल्कुल वैसा है कि डॉक्टरी कर ली मगर स्टेटोस्कोप पकड़ना नहीं आ रहा, इंजेक्शन लगाना नहीं आता है ना, तो कोई फायदा नहीं है। अगर आप चार्टर्ड अकाउंटेंट बन गए, आपको रिटर्न भरनी नहीं आ रही है, हाँ, आपको सिंपल सिंपल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को एनालाइज करना नहीं आ रहा है, तो फिर आप सीए बने हुए फायदा नहीं है। तो इसीलिए आर्टिकलशिप करना बहुत जरूरी है, और वो ग्रुप वन के बाद होती है। तो जब आप ग्रुप वन का रिजल्ट वगैरह आ जाता है उसके बाद यू कैन अप्लाई, है ना। एंड वैसे जो बड़ी कंपनीज हैं जो आर्टिकलशिप दे रही हैं, वो सब कहती है कि आप बोथ ग्रुप्स क्लियर करके आइए, उसके बाद आप आर्टिकलशिप शुरू करिए। हम भी यही एडवाइस करते हैं कि आईपीसीसी बोथ ग्रुप्स करने के बाद ही आर्टिकलशिप शुरू करनी चाहिए। उसे क्या है, 3 साल की जो आर्टिकलशिप है, पहले 2 साल आपको पढ़ना नहीं है, तो दैट मीन्स देयर इज नो बैलेंस। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने सीपीटी आईपीसीसी में पढ़ाई किया, आर्टिकलशिप कोई वो है ही नहीं, और उसके बाद जब आप आर्टिकलशिप करें तो पूरे जम के काम सीखिए, और जहां पे पूरा ऑफिस में पूरा फोकस करिए वहां पे पूरा काम सीखिए, हर तरह का काम उठाइए, हर तरह काम करना सीखिए अपने चार्टर्ड अकाउंटेंट से। और जब थर्ड ईयर आएगा, लास्ट ईयर है, इस लास्ट ईयर में आपके पास सीए फाइनल की प्रिपरेशन भी होती है और उस टाइम पे आपकी आर्टिकलशिप भी चल रही होती है। करेक्ट, इस थर्ड ईयर में इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग ही कर सकते हैं आप, मतलब आर्टिकलशिप आपको पहले 2 साल करनी ही पड़ेगी, थर्ड ईयर में आपके पास ऑप्शन होता है कि वेदर यू वांट टू डू आर्टिकलशिप और यू वांट टू डू इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग। इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग का मतलब है कि जैसे सपोज करिए आप बोलते हैं आई वांट टू गो टू इंश्योरेंस सेक्टर ओनली, या आई वांट टू गो टू सम फाइनेंस सेक्टर ओनली। सो अगर आप किसी भी एक पर्टिकुलर सेक्टर में जाना चाहते हैं तो बिफोर यू बिकम चार्टर्ड अकाउंटेंट यू कैन टेक द ट्रेनिंग ऑफ दैट एक्सपोजर, वो उस पूरा एनवायरनमेंट में फील, एज एन एम्प्लॉई आप काम कर रहे हैं कर हाँ, और वहां पे एज ए एम्प्लॉई ही सैलरी मिलती है उस एक साल। बट उन दिनों पे क्या होता है कि ना आपकी थोड़ी सी पढ़ाई डिस्टर्ब रहती है उस थर्ड ईयर। तो फिर ऐसे केस में अगर आपको इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग का बहुत ज्यादा शौक है तो आप क्या कर सकते हैं, थर्ड ईयर में इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग करिए और उसके बाद फिर सीए फाइनल की तैयारी करके आप दीजिए। थर्ड ईयर में जितना मैक्सिमम हो सके आप तैयारी करते रहिए और फिर एक बार 5-6 महीने की छुट्टी लेकर के फिर उसके बाद आप सीए फाइनल के पेपर दीजिए, तो उससे आप अपने सीए फाइनल के एग्जाम्स को पूरा जस्टिफाई कर पाएंगे। और एक और ऑप्शन है वो ये कि आप 3 ईयर्स आर्टिकलशिप तैयारी सीए फाइनल सब कुछ डन कर लीजिए, बिकॉज सीए फाइनल के एग्जाम आप 2.5 ईयर के बाद दे सकते हैं। तो उसके बाद लास्ट ईयर, मतलब लास्ट ईयर जब आप सीए के पेपर दे चुके हैं, सारा एक बार फिनिश हो चुका है आपका काम, फिर आप एक इंडस्ट्री में जाइए जहां पे आपका मन करता है कि हाँ मेरे को इस इंडस्ट्री में जाना चाहिए। क्योंकि आईपीसीसी तो हम आपको सारे एग्जाम्स पढ़ा रहे होते हैं, आर्टिकलशिप में जाने बाद आपको पता चल जाता है कि मेरा टेस्ट किस तरफ है, मेरा टैक्स में ज्यादा हाथ साफ है, या मेरा कंपनीज एक्ट में बहुत अच्छा लग रहा है मुझे, या मेरा दिमाग तो सिर्फ फाइनेंस में ही चलता है, या मेरा जो एक्सपर्टीज है वो ऑडिट में ही आ रहा है। तो जिस एरिया में आप जाना चाहते हैं उस एक्सपर्टीज की जरूरत है। आजकल के जी जो एमबीबीएस है, देखिए उसकी वैल्यू बहुत है, मगर फिर भी एमडी डॉक्टर चाहिए होता है, आई स्पेशलिस्ट है ना, अगर ऑर्थोपेडिक्स है, एक एरिया का स्पेशलिस्ट चाहिए होता है। यस, बिल्कुल ऐसे ही हम अगर चार्टर्ड अकाउंटेंसी फील्ड में आगे जाकर, आईपीसीसी के बियॉन्ड आगे जाकर हम एक पर्टिकुलर फील्ड के अंदर एक्सपर्टीज ले लेते हैं, जैसे अब जीएसटी आ रहा है तो हो सकता है कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट बोले भाई मैं जीएसटी के अंदर ही एक्सपर्ट बनना चाहता हूँ, तो फिर उसके अंदर क्या है कि वो आगे उसी लाइन के अंदर परस्यू करें एंड देन ही कैन डू वंडर्स।
मैम आजकल एक मैं इंटरनेट पे पढ़ रहा हूँ, सिलेबस के चेंज की बात हो रही है सीए की, हाँ ये जी, हाँ कहाँ तक जी, सच है? नहीं देखिए बात तो सही है, सिलेबस चेंज होने वाला है, बट अभी इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया उसके अंदर कुछ चेंजेस कर रहे चेंजेस हैं, ला सकते तो हैं। अभी हाँ ला रहे हैं, तो पुराना जो सिलेबस है जिसमें हम सीपीटी कहते हैं अब वो फाउंडेशन हो जाएगा, और अभी सारा सीपीटी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, मतलब फोर एग्जाम है 200 मार्क्स के, जिसमें सारा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव पेपर है सारा। अब उसमें आगे जाकर दो सब्जेक्टिव दो ऑब्जेक्टिव की बातें की जा रही हैं, दैट मीन्स थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा। इसलिए मैं सभी 12th स्टूडेंट्स को ये एडवाइस करूंगी कि आप लोग अगर अभी से ही आईसीआई में जाकर रजिस्ट्रेशन करा लेते हैं तो आपको पुरानी स्कीम में ही मिल जाएगा, क्योंकि पता नहीं है ना कब, अब कल ही अनाउंसमेंट हो जाए तो फिर आपका वो नए सिलेबस में आ जाएगा। तो जो सीपीटी का जो अभी पुराना सिलेबस है वो 4 इयर्स का है, 4 इयर्स का है, अब वो 5 इयर्स का एक्सटेंड हो जाएगा, मतलब जो सीपीटी वाला पोर्शन है वो 1 ईयर मतलब 9 मंथ्स 10 मंथ्स के अंदर प्रपोज्ड है इस तरह का। तो इस तरह से जो हमारी बातचीत चल रही है उसके अंदर ये है कि आईपीसीसी में भी अभी 7 पेपर्स हैं, तब 8 पेपर्स हो जाएंगे, तो इस तरह से थोड़ा सा उसको जी, और हाँ और अपडेट आना भी चाहिए, अपडेट आना भी चाहिए। हाँ जी, हाँ जी, बहुत अच्छा, आप आपका मैं सोनू गुप्ता मैं कैसे आपका धन्यवाद करूं कि आपने इतनी डीप नॉलेज हमारे दर्शकों को दी ताकि वो अपने सीए को सक्सेसफुली पूरा कर सके। सोनू गुप्ता स्टूडियो में आने का आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हेलो स्टूडेंट्स, आई एम सोनू गुप्ता, अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, फैकल्टी ऑफ अकाउंट्स एंड ऑथर ऑफ सेवरल बुक्स ऑन अकाउंट्स एंड फाइनेंस। नाम भी हमारे अंदर एक क्वालिटी डेवलप किया है, बट ये होता है तो क्यों होता है, व्हाट इज द रीजन फॉर दिस, व्हाई हैपेंस, जो हमसे पढ़ेंगे ना वो बहुत ज़्यादा।